हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त इतरा माम का स्वागत करता हूँ अपने एक न्यू ब्लॉग और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको बता दूँ कि फिलहाल मैं नानी के घर आया हूँ। तो यहाँ पे कुछ दूरी में टाइम में मिल आए, तो हम वहाँ पिछले कर गए थे, तो आज रेस्ट है, तो कल के बाद मैं तो अभी फिलहाल आपको बता दूँ कि नानी जी का डॉगी पिंकू अभी सोया हुआ है। तो नानी जी भी अभी घर में नहीं है, तो वो भी कुछ देर में घर तक आ जाएंगे। बारिश हुई थी तो उसके कारण रास्ता एकदम से खराब हो चुका है। तो पहले थी यहाँ पे ठीक है, खाद रास्ता बना हुआ था, तो यहाँ पे थोड़ी स्लाइडिंग हुई है। तो नहीं, आपको फिलहाल आपको मिलता हूँ, खेत में पहुँच गया हूँ। तो ठीक, साथ साथ में हमने मक्की और जो राजमा होते तो इनको तो कोड़ बोलते हैं। बड़े बड़े हो गए तो ये वाले पेड़ मैंने खुद अपने हाथ से लगाए हुए हैं। लड़िया दिखी हुई थी तो ये वाले जो पत्ते होते हैं, ये वाले ये ककड़ी की है, तो जो हम पहाड़ी भाषा में खीरे को ककड़ी बोलते हैं। तो ठीक सामने तक बहुत ज़्यादा फैली हुई है लड़ी, तो ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो ये वाले खीरे वो एकदम से लाल हो चुके, तो खाने लायक नहीं है, तो हम इनको बेच के ले रखेंगे। दोस्तों, ये रे मक्की तो अभी खाने लायक तो हुई नहीं है, तो ठीक साथ में ही राजमा भी लगे हुए हैं। तो राजमा की क्वालिटी दो तीन प्रकार की है, तो कुछ एक राजमा इस तरह से, तो कुछ एक राजमा इस तरह से, तो हम इनको चित्रे वाले राजमा बोलते हैं। तो दोस्तों, हाँ बता दूँ कि जहाँ मैं पहुँचा हूँ तो यहाँ पे ककड़ी की लड़िया बहुत ज़्यादा लगी हुई, तो आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे ककड़ी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो किस तरह से आप देख सकते, बड़ी बड़ी ककड़ियाँ लगी हुई है, तो कुछ कभी छोटी है, तो इन छोटी वाली ककड़ी में अभी मैं निकालूंगा। तो कुछ दिनों के बाद हमारे यहाँ पे मेला है, तो मेले के लिए बहुत ज़्यादा मेल माना जाता है, तो उनको भी हम अपने ककड़े दिखाएंगे। दोस्तों, कुछ ककड़े यहाँ पर भी लगी हुई है इस साइड, तो कुछ ककड़ियाँ इस साइड लगी हुई है। थोड़ी बहुत ककड़ी, दो से तीन ककड़ी मैं यहाँ से निकाल के ले जाऊँगा, तो एक हम आज शाम खाएँगे, तो दो ककड़ियाँ मैं शायद साथ ले जाऊँ, तो मेले में मैं अपने यार दोस्तों को भी खाऊँगा। तो ऐसे में चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने फिलहाल जो है तीन बल ककड़ियाँ तोड़ दी है, तो थोड़ा झुक झुक के चलना पड़ता है, तो साथ में मक्की और राजमा का ख्याल भी रखना पड़ता है। दोस्तों, बड़ी मुश्किल जाके मैं झुक झुक के खेत से तो रास्ते में निकल गया हूँ। तो फिलहाल आप देखते हैं जो तीन बल ककड़ियाँ कितनी प्यारी लग रही है, तो अभी लग तो खाने के लिए ठीक होगी। तो चलिए, अब आपको सीधा घर में मिलते हैं, तो इसके बाद मुझे खाना भी बनाना होगा। फिलहाल दोस्तों, मैं घर में पहुंच गया हूं, तो आपको मैं बता दूं कि इसके बाद मैं तड़के के लिए सामान करूंगा। तो पहले मैं प्याज और टमाटर काटूंगा, तो उसके बाद हरी मिर्ची काटूंगा, तो हरी मिर्ची इस बार खेत में हुई है। दोस्तों, फिलहाल मैंने तेल तो डाल दिया है, तो गैस भी ऑन कर दिया है, तो अब फटाफट से मैं दाल को तड़का लगा देता हूं, तो उसके बाद आपसे बात करता हूं।
दोस्तों आज हमने खाने के लिए राजमा और चावल बनाया है, तो साथ में खीरे। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अब अंधेरा बहुत हो चुका है, तो मैं ब्लॉग को भी इम्प्रेंट करता हूं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो पिंक वहाँ का शायद कोई रास्ते से आया होगा, तो जो नानी का घर है तो एकदम से साथ रास्ते में लगता है। तो चलिए अब मिलते हैं मेले में, तो तब तक के लिए आप मेरे ब्लॉग को देखते रहे। तो दोस्तों अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं मेले को, तब तक के लिए बाय।